दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों उम्र चाहे जितना भी हो, वाटर स्लाइड पे राइड करने का मजा ही अलग होता है और छुट्टियों में सबसे बेस्ट जगह वाटर पार्क ही होता है जहां पर बहुत सारे वाटर स्लाइड्स होते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे वाटर स्लाइड्स बनाए गए हैं जिसपे राइड करते समय आपको खतरनाक एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप सभी आम वाटर स्लाइड से बोर हो चुके हैं तो आज आप इस वीडियो में ऐसे स्लाइड्स देखेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे रोमांचक वाटर स्लाइड्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों यह वाटर स्लाइड जापान में स्थित है जो बड़ा स्लाइड होने के साथ खतरनाक भी है, क्योंकि स्लाइड में बहुत सारे LED लाइट्स लगाए गए हैं। जब आप इसमें स्लाइड करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कलरफुल लाइट्स दिखेंगे जो कि इतना खतरनाक है कि बहुत लोग इसमें स्लाइड करते समय लाइट्स के वजह से वह बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस वाटर स्लाइड में जाना पसंद करते हैं। लॉस एंजल्स में स्थित सबसे लंबा बिल्डिंग US बैंक टावर है जिसमें 2017 में कांच का स्काई स्लाइड बनाया गया है जो कि 78 फ्लोर पे बिल्डिंग के किनारे में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनाया गया है जो कि 78 फ्लोर से स्लाइड करते हुए 68 फ्लोर तक जाता है। जो भले ही छोटा स्लाइड है पर 800 फीट ऊंचाई पे होने के वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में स्लाइड कर रहे हैं। अगर आप इसमें स्लाइड करना चाहते हैं तो जान हथेली पर ले कर स्लाइड करना पड़ेगा क्योंकि यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है जिसपे स्लाइड करते समय आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों इटली के ऑनलाइन वाटर पार्क में एक ऐसा वाटर स्लाइड है जिसपे स्लाइड करने से लोग डरते हैं और वो है स्पेस बोट, जिसमें आप पहले ट्यूब के अंदर स्लाइड करते हुए बाउल आकार जैसे स्लाइड में आकर घूमने लगेंगे और यहीं पर बहुत लोग स्लाइड करते समय फंस जाते हैं। Ehi, vedi, sono i getti che ti spingono a costa. Dentro? No. Ma porca. एक बार जब एक व्यक्ति इसमें स्लाइड कर रहा था तो वह तेजी से आकर उसका पैर इस स्लाइड से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। आप सभी ने कई सारे वाटर स्लाइड्स वाटर पार्क में देखा होगा पर एक्वाडक डिज्नी ड्रीम वाटर स्लाइड क्रूज शिप पर बनाया गया है जो कि 700 फीट लंबा है और यह वाटर स्लाइड भी ट्रांसपेरेंट है जिसमें स्लाइड करते समय आपको समुद्र का नजारा दिखेगा। और इस पे स्लाइड का असली मजा रात को आता है क्योंकि रात में स्लाइड पे बहुत सारे अलग अलग लाइट्स जलते हैं जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। दोस्तों यह वीडियो क्लिप में दिख रहा वाटर स्लाइड ब्राजील में स्थित है जिसमें एक बड़ा गोल आकार जैसा स्लाइड बनाया गया है जहां पर लोग गोल गोल घूमकर सीधा पूल के अंदर गिर जाते हैं, जिसे बैन कर देना चाहिए क्योंकि इसमें एक ही साथ बहुत सारे लोग इस स्लाइड पे राइड करने लगते हैं जिसे लोग कई बार आपस में टकरा जाते हैं। I'm not going to do it.
दोस्तों कुछ लोगों को पानी के वाटर स्लाइड्स बिल्कुल भी रोमांचक नहीं लगते, तो लोग ज्वालामुखी के पहाड़ों पर स्लाइड करते हैं। और आपको पता ही होगा कि वॉल्केनोस कितने खतरनाक होते हैं, जहां पर लोग ज्वालामुखी के ऊपर एक बोट पर बैठकर 750 मीटर नीचे स्लाइड करते हुए आते हैं, जिसमें स्पीड इतना तेज होता है कि आप कुछ ही सेकेंडों में नीचे पहुंच जाते हैं। और यह वॉल्केनो स्लाइड सेरो नेग्रो में स्थित है। फ्लोरिडा का समिट प्लमिट यूएस का सबसे अनोखा वाटर स्लाइड है, जहां पर आपको चारों तरफ बर्फ दिखेगा और उसमें ही सबसे ऊंचा वाटर स्लाइड है, जो कि 120 फीट इतना ऊंचा है, जहां पर स्लाइड करते समय डर तो लगेगा पर आपके चारों तरफ बर्फ का सुंदर नजारा दिखेगा, जिसमें स्लाइड करते समय आपकी रफ्तार 60 माइल पर आवर हो जाती है, जिससे 15 सेकेंड में आप नीचे पहुंच जाते हैं। और यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा वाटर स्लाइड है। दोस्तों यह है आर्केलर मिथल स्लाइड, जिसे असल में स्लाइड के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि 2012 ओलंपिक इवेंट के लिए बनाया गया था। और जब इवेंट खत्म हो गया तो लोगों के कहने पे इसे वाटर स्लाइड में बना दिया गया, जहां पर स्लाइड 180 मीटर ऊंचाई पे टेढ़े मेढ़े होते हुए स्लाइड नीचे तक है, जिसमें कुछ जगह पर स्लाइड ट्रांसपेरेंट है और कुछ जगह पर अंधेरा है, जिससे रोमांच और बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना।